हेलो पेरेंट्स, सो आज हम फिर से मिलेंगे और बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मैं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर प्रभजीत, हु इज़ वर्किंग एज अ पीडियाट्रिशियन एंड इंटेंसिविस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। तो आज का सवाल है, मेरा बच्चा मोटा नहीं होता, खाना नहीं खाता। सो इसका जवाब हम अपनी तरफ से कुछ एक अपने ढंग से देने की कोशिश करेंगे। सबको अच्छा लगता है कि उनका न्यूबॉर्न बहुत अच्छे से वेट गेन करे और प्रॉपर वेट गेन करे। सो वन इज़ प्रॉपर वेट गेन और दूसरा है एक फैड कि मुझे एक मोटा बच्चा चाहिए। दोनों में थोड़ा अंतर है, उसको समझेंगे। एक है एक रेगुलर वेट गेन, जो मदर बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है या मम्मा की फीड पे है, वो 600 टू 800 ग्राम्स वज़न गेन करेगा। जो बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है वो, बट अगर वही बच्चा टॉप फीड ले रहा है, किसी वजह से मम्मा फीड नहीं दे पा रही है, तो उसका वज़न ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। यही हम अगर नॉर्मल रूटीन अपने फॉलोअप पे जाते हैं बच्चे 1.5 मंथ्स पे, जब हम पीडियाट्रिशियन के पास वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, सो ही और शी विल टेल अस कि हमारे बच्चे का वेट कितना गेन हुआ। सिर्फ एक वेट गेन ही नहीं देखना, आपको दो चीज़ें और पैरामीटर्स पे भी बात करनी है, वो है हाइट और जिसको हम लेंथ कहते हैं बच्चों में, और दूसरा OFC, ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कम्फ्रेंस, माने सिर का माप। सो ये तीन चीज़ों के पैरामीटर्स देखकर हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। बट बहुत सारी मामा जिसका चाहे 800 ग्राम्स भी वेट बढ़ा है, तो वो यही सवाल करेंगे कि बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, और अच्छा उसका बच्चा तो बहुत मोटा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबडीज। जो बर्थ वेट है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा आपका नेक्स्ट वेट का ग्रोथ। तीसरा, आपके फीडिंग पैटर्न पे बहुत डिपेंड करेगा आपके बच्चे का ग्रोथ। फोर्थ, सिर्फ मोटा होना बहुत अच्छा नहीं होता, ग्रोथ प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। सो डू नॉट गो बाय दिस कैलेंडर पिक्चर्स और गूगल पिक्चर्स और गूगल थिंग्स, जिसमें हमें सिर्फ ये देखने को मिलता है कि मोटा बच्चा ही अच्छा है। बच्चे का एप्रोप्रिएट वेट या ग्रोथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो नीचे लिखे हुए लिंक या फ़ोन नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, नहीं तो जिस भी पीडियाट्रिशियन से आप मिलने जाते हैं उनसे ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। और एक्सेसिव वेट गेन के पीछे मत भागिए, नॉर्मल और एप्रोप्रिएट वेट गेन है कि नहीं, बस यही सवाल होना चाहिए। थैंक यू।